हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में एमएजी 14 से एक शॉर्ट स्टोरी हम लोग देखेंगे जिसका टाइटल है बर्थडे। बर्थडे मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखा गया है। आप जो है अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये शॉर्ट स्टोरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है बर्थडे, ये मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखा गया है। और मोहम्मद बशीर का जो जन्म हुआ था वो 1910 में हुआ था एंड उनकी मृत्यु जो है 1994 में हुई थी। वो जो है एक फेमस इंडियन राइटर और फ्रीडम फाइटर थे और एक फेमस नॉवेलिस्ट भी थे। तो अगर इस स्टोरी के शॉर्ट स्टोरी के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये शॉर्ट स्टोरी जो है ऑटो बायोग्राफी बायोग्राफिकल फॉर्म में है, जिसमें जो है मोहम्मद बशीर ने अपने ही बारे में जो लिखा है कि किस तरह से उनके बर्थडे का दिन जो है किस तरह से बीता, ये लिखा हुआ है। तो पहले कहानी जानने से पहले उनके कुछ वर्क्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे उनके कुछ वर्क है लव लेटर, वॉइसेस, द मैजिक कैट, हंगर एंड चाइल्डहुड फ्रेंड। उनको जो है अवार्ड्स मिले थे वो हैं साहित्य अकेडमी फेलोशिप, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, केरला साहित्य अकेडमी फेलोशिप और पद्मश्री अवार्ड। ये अवार्ड जो है मोहम्मद बशीर जी को मिला था। तो अगर हम इस कहानी, इस शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो उस कैरेक्टर में जो है सिर्फ दो ही कैरेक्टर हैं। एक है खुद मोहम्मद बशीर और दूसरा कैरेक्टर है एक लड़का, ए बॉय। ठीक है, इन दोनों की ही कहानी है कि किस तरह से मोहम्मद बशीर जो है वो अपना बर्थडे का दिन जो है पूरा का पूरा दिन कैसे बिताते हैं वो लिखा हुआ है। इस ऑटोबायोग्राफिकल ये स्टोरी जो ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में लिखा गया है, जो कि डायरी फॉर्म में है, इसमें जो है ऑथर मेन प्रोटैगोनिस्ट हैं और जो कि बहुत ही पुअर हैं। और वो जो है अपने बर्थडे के दिन कैसे जो है ह्यूमिलेटेड होते हैं अपने लैंड लॉर्ड से और होटल से, ये इस शॉर्ट स्टोरी में बताया गया है। तो मैं थोड़ा सा इस शॉर्ट स्टोरी को आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो ऑथर हैं जो कि मेन प्रोटागोनिस्ट हैं वो बहुत ही पुअर हैं, गरीब हैं। और वो अपने बर्थडे के दिन जब वो निकलते हैं तो उनके जो लैंड लॉर्ड रहते हैं, जिस घर में वो रहते हैं मकान का मालिक, वो उसे बहुत ही ह्यूमिलेट करता है कि आपने जो है रेंट नहीं दिया है अभी तक अपने मकान का। इस तरह से उसके बर्थडे के दिन में उसे बहुत ही ह्यूमिलेट करते हैं। फिर जब वो वहाँ से जाते हैं, आगे जाके वो सोचते हैं कि वो कुछ नाश्ता करेंगे, जाकर वो जब होटल ओनर को बोलते हैं नाश्ते के लिए तो वो होटल ओनर भी उसे बहुत ही ह्यूमिलेट करता है और बोलता है कि तुमने पहले के पैसे भी नहीं दिए हैं तो मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं दूंगा। तो वो सोचता है कि आज का दिन मेरा कैसा है कि आज मेरा बर्थडे है फिर भी ये लोग किस तरह से हैं कि मुझे जो है इस तरह से ह्यूमिलेट किया जा रहा है, इस तरह का चीज़ वो सोचते हैं। तभी जो है क्या, एक बॉय आता है, छोटा सा लड़का, और वो उसे उस होटल से वो खाने का कुछ लेता है, वो उसे ऑफ़र करता है कि ये खाना जो है वो उसके साथ में खाए, ऑथर को वो ऑफ़र करता है। तो वो सोचता है कि ऐसा भी नहीं है कि सभी आदमी जो है ख़राब होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। वो उस बच्चे को देख के जो है सोचता है। तो इस तरह से वो पूरा दिन उसका कैसे गया, कैसे बीता उसके बर्थडे के दिन, वो इस बात को जो है अपने डायरी में लिखते हैं, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में उन्होंने बताया है बर्थडे में कि किस तरह से जो है बाकी लोगों ने उसे ह्यूमिलेट किया और एक लड़के ने उसे किस तरह से जो है हेल्प किया उसके बर्थडे के दिन। वो बताते हैं कि इस दुनिया में जो है अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, इस तरह से वो शॉर्ट स्टोरी में बताते हैं। तो ये था इस शॉर्ट स्टोरी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर हम फिर इस शॉर्ट स्टोरी के थीम्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि उसे किस तरह से ह्यूमिलेट किया जाता है और उसे जब भूख लगता है तो वो किस होटल ओनर के पास जाता है। फिर वो देखता है कि किस तरह से बॉय जो है ह्यूमिनिटी उसे शो करता है। उसे ये भी पता चलता है कि एक गरीब इंसान का किस तरह से जो है कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से उसके थीम्स आप लिख सकते हैं, पॉवर्टी एंड ह्यूमिलेशन, नेक्स्ट इज़ हंगर, देन गुडनेस एंड ह्यूमिनिटी,
एंड पुअर हैव नो रिस्पेक्ट एंड द लास्ट वन इज़ ऑप्टिमिस्टिक यानी कि होप। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर आपको पूछा जाएगा थीम्स तो आप इसे डिटेल्स में लिख सकते हैं कि किस तरह से उसे ह्यूमिलेट किया जाता है ऑनर के थ्रू और रूम ऑनर या फिर होटल ऑनर के थ्रू। हंगर मीन्स किस तरह से उसे जो है भूख लगती है तो जाते हैं, तो फिर किस तरह से उसे ह्यूमिलेट किया जाता है। गुडनेस इन ह्यूमिनिटी में आप लिख सकते हैं कि वो छोटा बच्चा किस तरह से अपना ह्यूमिनिटी दिखाता है, गुडनेस दिखाता है और उसे ऑफर करता है खाने के लिए। पुअर हैव नो रिस्पेक्ट, ये तो स्टोरी में पता चल ही गया कि वो गरीब था बोलकर ही उसका रूम ऑनर है और जो होटल ऑनर है उसे जो है खाना देते हैं। तो इस तरह से आप जो है सारे थीम्स को जो है आप डिटेल्स में आप लिख सकते हैं कि किस तरह से उसे ह्यूमिलेशन मिलता है, ह्यूमिनिटी वो देखता है, ये सारा शॉर्ट स्टोरी में किस तरह से अप्लाई हुआ, ये सारा थीम्स आप इसे डिटेल्स में लिख पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आया होगा और आप एग्ज़ाम में इसे अच्छे से लिख पाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जो है अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।